रखता था फिजिक्स में, लगता है 1 घंटा। स्टैटिक्स ही आया था उसमें ज्यादा टेस्ट में। इस बार स्टैटिस्टिक्स आए थे? स्टैटिस्टिक्स यस मैम, यस मैम, यस मैम, ज्यादातर उसी के क्वेश्चन थे तभी तो वो अच्छा लग रहा था सेक्शन। और जिसको वो नहीं आता था उसी का उसी में गया है ना। आप लोगों को ये पता है कि अब आपके चारों चैप्टर्स हो गए, क्वाड्रेटिक, एपी, स्टैटिस्टिक्स एंड वन मोर दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। आपका जो 8 अक्टूबर को टेस्ट होगा उसमें प्लस वन के तो ये चारों चैप्टर्स आ रहे हैं। यस मैम। और प्लस टू का इस बार जो आपका संडे को टेस्ट है, अपकमिंग संडे मास्टर टेस्ट टू है, उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। उसमें आपका एरिया अंडर कर्व तक आ रहा है, प्रायोरिटी तक आ रहा है। एरिया अंडर कर्व तो हम अपने लिए करके रख रहे हैं ताकि आप हम कवर कर लें, राइट? मैम 8 अक्टूबर को बोला आपने जिसमें आएगा 11th का क्या? 8 अक्टूबर में तो प्लस टू का आएगा, 8 अक्टूबर वाले में आएगा ना आपको प्लस वन का पार्ट। यस मैम, वो वाला भी मेजर होगा। वो भी मेजर है, अभी एक मेजर टेस्ट टू है, फिर थ्री है, तो मतलब पेपर भी तो है। आपको ये गुड इवनिंग कि आपको 50% सिलेबस आज ये चल हो जाएगा, ठीक है? तो स्क्रीन विजिबल है चलो बाद में बात कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एरिया अंडर कर्व। जिसको डेफिनेट आता है उसको एरिया अंडर कर्व बहुत इजी लगेगा। तो लेट्स गेट रेडी। देखो सिंपल सी बात है, माइंड से थॉट निकाल दो, जैसे डेफिनेट अब मुश्किल नहीं लगा उसी थॉट से चलेंगे कि एरिया अंडर कर्व भी बहुत इजी है और सिंपल सी। बच्चे बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। मुझे लिटरली लगता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स होता है। तो आज के लेक्चर में आप लोग क्या सीख पाओगे? देखो एरिया अंडर कर्व करने के लिए ना मेरे को कर्व ट्रेस करनी आनी चाहिए। जो भी मैं कर्व का एरिया निकाली उसकी कर्व बनानी आनी चाहिए। अगर मेरी कर्व बन जाएगी ना तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज, मैं आज के लेक्चर में ये सीखूंगी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालू तो कैसे निकालूंगी और वाई एक्सिस के अलोंग निकालू तो कैसे निकालूंगी। इससे ज्यादा आज के लेक्चर में मैं कुछ नहीं करूंगी। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम दो कर्व्स की बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक एक सिंगल सिंगल कर्व की बात करेंगे। छाया आ गई, एकता आ गई, हरलीन, छाया, एकता, अंजलि, अंजलि एकता आ गई, छाया तो आ गई है। अंजलि, वो अंजलि आ गई जो उस दिन आई थी, कौन सी अंजलि थी वो? पता नहीं मैम, वो नहीं आई है, वो नहीं आई, ठीक है? तो बच्चे देखिए, सबसे पहले सीखेंगे कर्व को ट्रेस करना। रेडी? सबसे पहले ये बताओ ये कैसी कर्व है? ये पैराबोला है? ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ पैराबोला की बात नहीं करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की बात करेंगे। आओ सीखते हैं सबसे पहले कर्व को ट्रेस करना। सबसे पहले देखो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, कि आपको पता है कि मेरे पास जब y square is equals to 4ax दिखेगा या फिर y square is equals to minus 4ax दिखेगा तो जिसकी पावर 2 होती है उसके ऊपर, यानी कि जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट मेरा एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। यस मैम, ठीक है? तो आपको पता चला कि y इन द इक्वेशन आर इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव, सिर्फ x में चेंज आएगा। तो ऐसे वाले पैराबोला को आप क्या बोलते हो? कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, क्लियर? यस मैम, यस मैम। ये आपका जो कर्व दे रखी है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की है, यानी कि अगर मुझे नेगेटिव साइड बनानी होती तो ये वाली कर्व बन जाती मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्लियर है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। किसी को भी यहां तक डाउट? No, ma'am. Okay. तो इलिप्स जैसे क्या हम एरिया कॉनिक सेक्शन जो पढ़ा था वैसे ही लग रहा है।
वैसा वैसा ही होगा। जब भी जो मैं सही में बताऊ ना, जो डेफिनेट पढ़ के आए ना, आपको लगेगा मैम सिर्फ देखने में लग रहा था। जैसे एओडी की तो बहुत सारी एप्लीकेशन थी, याद करो डिफरेंशिएशन की, बहुत लंबा चैप्टर था। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो एक ही एप्लीकेशन है, एरिया अंडर द कर्व, और वो आपका आज के लेक्चर का करके अगला लेक्चर करके खत्म हो जाएगी। मैम बस दो लेक्चर, दो लेक्चर्स की है। या तो आपके पास सिंगल 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 कर्व होगी एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, या फिर आपका होगा दो कर्व्स के बीच में, बस इतना सा ही है। थर्ड लेक्चर हम देंगे एडवांस की प्रॉब्लम है, जिसमें हम एडवांस वाली प्रॉब्लम करेंगे। ओके मैम। यस मैम। तो दूसरा आपके पास है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो मुझे पता चला कि भाई इसकी जो एग्जांपल होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, जो मुझे कर्व दिख रही है। और अगर मुझे दिख रहा होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस का हो जाता, तो मेरी कर्व डाउनवर्ड हो जाती। यस मैम। ठीक है अर्चना, दीपिका, छाया एकदम। अब ये थी आपकी एक एक्सिस के अराउंड सिमेट्री। अगर दोनों एक्सिस के अराउंड कोई चीज सिमेट्रिकल दिख रही है, वो आपके पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मींस उसको आप सर्कल बोलेंगे। यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्लियर है, किसी को इसमें डाउट? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, मुझे अगर मैं बात करूं कि हाँ मेरे पास पैरा इलिप्स भी आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो भाई इसमें भी क्या दिक्कत है, ये भी तो दोनों एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होती है। यस मैम। और अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन की बात करें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होती है। चाहे मेरा सर्कल हो, चाहे मेरा लिप्स हो, चाहे मेरा हाइपरबोला हो, ये तीनों के तीनों मेरे दोनों एक्सिस के राउंड सिमेट्रिकल होते हैं। yes, क्योंकि इन दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव। यस मैम। क्लियर। ये तीन चीजें करनी, सबसे पहले x एक्सिस के अराउंड सिमेट्री, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री, और फिर मैंने बात करी दोनों एक्सिस के अराउंड सिमेट्री, राइट। अब अगली बात कि सिमेट्री अबाउट व्हाट द एक्सिस तो है ही। अब आपके पास ये दे रखा है क्यूबिकल कर्व, दिख रही है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy। यस मैम। तो जब आपने इस कर्व को इन्होंने ड्रॉ करके आपको दिया एग्जाम्पल है कि हाँ ऐसी कोई कर्व बनेगी, और आपको बताया कि भाई जो y is equals to x है, देख रहे हो कि y is equals to x एक लाइन है, ये वाली y is equals to x, क्या आपको दिख रहा है कि ये वाली कर्व इस y is equals to x के अराउंड सिमेट्रिकल है? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर। फिर अगला, अगर आपके पास कोई ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में हो, अब ये और ये आपको लग रहा है कि ये कर्व सिमेट्रिकल है, जितनी फर्स्ट में है उतनी थर्ड में है, जितनी सेकंड में है उतनी फोर्थ में है। यस मैम। यस पास। इट्स रियल सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। यस मैम। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा भाई कि मैं इन्हीं सारी जो मैंने ट्रेसिंग्स पढ़ी हैं कि जहां तो मेरे कर्व्स एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होंगे, वाई के होंगे, दोनों एक्सिस के हो सकते हैं, ऑपोजिट क्वाड्रेंट हो सकते हैं, तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके ओवरऑल मैं अपनी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी कर्व को ट्रेस कर लिया करूंगी। यस मैम। ठीक है, तो यूज ऑफ एडी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि किसी एओडी में कि किसी भी ग्राफ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कैसे चेक करना है, उसका मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कैसे देखना है, उसकी कंकेविटी कैसे देखनी है, कि उसका मुंह ऊपर को खुला है या नीचे को खुला है, राइट। Yes, तो ये कुछ बेसिक्स है कि जो मेरे डिफरेंशिएशन एओडी इंक्रीजिंग सारी एप्लीकेशंस को यूज करके जितने मुझे आते हैं, जितने मैंने प्लस वन में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ज्योमेट्री के, सबको यूज करके मैं आप कर्व को ट्रेस कर सकती हूँ। Yes, ma'am. अब देखो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी कोई कर्व ट्रेस करनी है, आपको कुछ भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं देते होते। अब देखो सबसे पहले चीज अपन बात करेंगे एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो बच्चे ध्यान से देखिए कि मेरा अगर एफ एक्स पॉजिटिव है और मेरा जो ए एक्स है वो ए से बी जा रहा है,
तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आप देख रहे हो कि ये आपका एफ एक्स है, हम ऐसे कोई भी जनरली डिनोट कर देते कि मेरा फंक्शन ऐसा दिखेगा। इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है ए से बी तक का, तो आप लोगों ने डेफिनेट में पढ़ा था कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स कर दो, याद आया? Yes, ma'am. हमने कैसे yes, हमने बोला था कि छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले लो, उनको जब ऐड करेंगे तो हाँ वही लिमिट एज अ सम का कांसेप्ट भी लगा सकते हो। क्लियर? तो ये किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये किसके अलोंग हो गया बच्चे, एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया आ रहा है। यस मैम। ये ऊपर है, ये यानी कि पॉजिटिव साइड पे एरिया है। yes, और अगर यही एरिया मेरा डाउन डाउन टू द एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो आपको दिख रहा है कि मेरा फंक्शन नेगेटिव होगा। yes, ma'am. अगर मेरा फंक्शन नेगेटिव होगा तो मेरा एरिया भी नेगेटिव आएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, तो क्लियर है जी? तो नेगेटिव डजंट मीन कि एरिया नेगेटिव है, नेगेटिव आपको क्या शो कर रहा है कि मेरा एरिया जो है वो अंडर द कर्व है, राइट, अंडर द एक्स एक्सिस है। यस मैम। ठीक है, अब बच्चे आपको ये एक कर्व दे रखी है, अब आप देखो एक एरिया ऊपर है, एक एरिया नेगेटिव नीचे है, यानी कि अगर ये एरिया ए वन है और ये एरिया ए टू है, तो आपको पता है कि ए वन एरिया ए से सी तक पॉजिटिव आएगा। yes, और ए टू एरिया नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो आपका ओवरऑल ए से बी, तो यहाँ पे वो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी ना कि ब्रेक पॉइंट वाली, कि आपने सी की ब्रेक पॉइंट। क्लियर है सबको? तो ये आपका बेसिकली देखो कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, वही चीजें जो डेफिनेट पर पड़ी थी, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ग्राफ प्लॉट कर दिए। अरे अभी देखो, अभी मैं आपको यूज भी जो आपने बोला उससे पूरा का पूरा, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, देख रहे हो? यस मैम। इसमें आप लोग अपना जो कंसेप्ट पढ़ा वो सोचोगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, और x एक्सिस के पॉइंट भी है, तो आपको पता चल गया कि किसके अलोंग निकालना है। यस मैम। यस मैम। x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर? पहले क्वेश्चन माइंड में सेट होना चाहिए। अब आप इसका डायग्राम बनाओगे, जो मेरा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, वो कौन सा है, पॉजिटिव y x एक्सिस वाला है, पॉजिटिव वाला। यस मैम, ये वाला कर्व है, और यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 है और यहां पे कोई x इज इक्वल्स टू 4 है, राइट बच्चों? तो ये प्लॉट कर लेते हैं कि इस पे ये कर्व ट्रेस हो गई आपकी। yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वाला एरिया निकाल y square is equals to 9x, क्लियर? तो yes, वन से फोर तक जाना है, वन से फोर तक जाना है अंडर रूट 9x dx, क्लियर है? तो आपको 1 से 4 जाना है 3 रूट एक्स डी एक्स, तीन तो जंप मार के बाहर आएगा, रूट एक्स का एक्स की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, और लिमिट करनी है 1 से 4, तो यानी कि 3 इंटू, अगर ये 3 बाय 2 यानी कि 2 बाय 3 बाहर निकाल लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4 की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, एग्री? 3 से 3 भी क्या 2, तो ये 2 का रूट 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1, तो जाने की 14 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया बच्चों। यस मैम। ठीक है, इन्होंने आपको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान लो मैं आपको सेकंड पार्ट में बोल देती हूँ बस एरिया निकालना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे मेंशन नहीं है, तो ये जो आपने कंसेप्ट पढ़ा ना माय डियर कि भाई ये जो है सिमेट्रिकल कर्व है, तो इसका मैजिक क्या होगा कि आपने सीख लिया कि ये सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। यस मैम। yes, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये ए वन है और ये ए टू है, इस क्वेश्चन में आपसे ए वन पूछा था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है फोकस करो, तो आपको बेसिकली टोटल एरिया पूछे जाने की ए इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, दोनों एरियाज बराबर है, तो 2 इंटू ए वन,
तो लॉजिकली 2 इनटू 14 आपका आंसर 28 आ जाएगा बच्चों। यस मैम। इसमें बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा। हाँ, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ठीक है। अगर इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ना मेंशन किया होता, इन्होंने बोला था कि बस एरिया अंडर द कर्व, ये लाइन पूरी काट दी होती तो आपका ये पूरा एरिया आता ना जो मैंने हाईलाइट करे थे। तो दोनों का आ गया ना फिर, ऊपर का और नीचे का। मैम आपने इंटीग्रेट से पॉजिटिव वाले पार्ट से किया है ना रूट के। जब 14 आंसर आ रहा है। कर्व का होता है ना तो ऐड होता है, जो ये कर्व है वो जो कर्व आपकी एक बाहर जा रही है, एक आउटर है एक अंदर है, उसका अलग से एरिया निकलता है। इसका तो ट्वाइस ही हो जाता है, इस केस में माइनस नहीं होता। पॉजिटिव पार्ट से निकाला है ना जब वाई स्क्वायर का रूट करा होगा तो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला बोलो ना मैम। 14 आंसर से फर्स्ट क्वाड्रेंट रियल कैसे होगा ये बता दो। कैसे कैसे? जो एरिया 14 स्क्वायर यूनिट आपने लिया है वो सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए कैसे होगा? देखो मेरा जो एरिया अंडर द कर्व है 1 से 4 तक, ये पूरा एरिया आ रहा है जो मैंने शेड करा था। यस मैम। मेरे को क्वेश्चन ने बोला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को मेंशन कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाने की मुझे 1 से 4 जाना है और जितना एरिया ऊपर आ रहा है, क्योंकि लॉजिकली जब आप इसको निकालोगे इस एरिया इस कर्व के अंदर ये पूरा एरिया आ रहा है, सोचो। यस मैम। है ना, लेकिन आपने उसको लिमिट कर दिया कि भाई एक्स एक्सिस सिर्फ यहाँ तक निकालो इतना पार्ट, तो मेरे को कितना देगा? सिर्फ 14 देगा। अगर मेरे को इसको पूरा निकालना है तो जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे है, एरिया तो इक्वल होएगा, तो उसको ऐड करके डबल होता है। यस ठीक है। ये जो केस पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ये एक सेपरेट केस है, ये आपकी कर्व आधी ऊपर है आधी नीचे है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का कंसर्न आया था आपका। मैम फिर तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 7 स्क्वायर यूनिट एरिया आना चाहिए ना। क्यों 7 क्यों आएगा मैम? टोटल 14 आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड फोर्थ वाले में सिमेट्रिक रहेगा तो हाफ ऑफ होना चाहिए। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का ही 14 है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट का 14 आया है, नीचे वाले का तो भी ट्वाइस करा मैंने, यही डाउट था। हां 14 तो अभी सिर्फ डार्क ब्लू वाला आया है, A1 आया है। क्लियर? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट, अब आपके पास है फाइंड द एरिया बिटवीन। ये मेरे को एक चीज दिख रही है कि भाई y is equal to x square minus 3x plus 2 है, तो x में क्वाड्रेटिक है, जाने की आपको देख के पता चल रहा है कि एक पैराबोलिक कर्व होएगी डेफिनेटली। यस मैम। तो इसके अगर दो रूट्स हैं, जाने की x minus 2 1 x plus minus 1 x minus 2, तो आपका जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको आता है, तो लॉजिकली वो आपको बता रहा है कि मैं दो पॉइंट्स पे कट कर रहा हूं, 1.1 है और 1.2 है, क्या कहते हो? यस मैम। सबको समझ आ रहा है? इसमें आपका काम चलेगा। अब आपको एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस इसका निकालना है कि एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू 2, 0 से लेके 2 तक निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहले 0 से 1 तक इंटीग्रेट करोगे। 0 से 1 तक इंटीग्रेट करोगे? अब ये वाला नेगेटिव साइड पे एरिया है, सोचो। यस मैम। तो अब आपका नेगेटिव आएगा, एरिया तो पॉजिटिव का ही लोगे ना, माइनस 3x प्लस 2, आगे नेगेटिव का साइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, जी। सबको क्लियर है? Yes, yes, मैं तो फिर माइनस हो जाएगा ना मैम। क्या मैम ये माइनस नहीं हो जाएगा? नीचे का आ रहा है एक्सिस, माइनस आगे लगा तो दिया तभी तो माइनस कर दिया एरिया। चेक दिस। यस मैम। हां जी बच्चे, किसी मैम एक बार कर्व समझा दीजिए। कर्व देखिए, ये मेरे को दिख रहा है कि y is equal to एक क्वाड्रेटिक कर्व है। क्वाड्रेटिक कर्व का मतलब कि जब x 1 होगा तो y 0 होगा, जब x 2 होगा तो y 0 होगा, तो ये दो पॉइंट्स बने ना जहाँ पे y 0 होगा। ओके मैम। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो मैम क्लियर है। जब भी कोई मतलब जैसे कोई पैराबोला बनाया है और एक्स एक्सिस की बात हुई है तो जो लोअर वाला रीजन है उसे ही शेड करना है ना, बस अगर वो उसने लिमिट्स आपको दे रहा है, अगर इसने यहाँ पे मेंशन ही 0 से 1 करा होता तो मेरे को उसका एरिया निकालना ही नहीं था आगे वाले का, ठीक है ना? ठीक है ना, ओके। और अगर बाई चांस इसने 3 मेंशन कर दिया होता तो आप यहाँ पे 3 लेते ना, फिर ये वाला एरिया भी लेते, उसको ऐड कर देते। मैम वैसे आपने एरिया सबट्रैक्ट क्यों किया, ओवरऑल एरिया तो ऐड ही होना चाहिए ना? नहीं, ओवरऑल एरिया वाइड होना चाहिए, लेकिन ये वाला ब्रेक पॉइंट लगा, मैंने बात करी ना पैराबोला के केस में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं था, आपकी कर्व गो थ्रू थी 1 से 4 में, वो एक ही एरिया था। यस मैम, लेकिन यहाँ पे आपको ये ब्रेक पॉइंट लगा जाने की, ये अपने आप में रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जब आप इसको भी रिप्रेजेंट करोगे तो आप इस कर्व को ऐसे ही बोलोगे ना कि नेगेटिव कर्व बन रही है नीचे। यस मैम, तो वही चीज अपन ने फॉर्मूला जनरेट कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो, जो एरिया मैं नीचे वाला शो करूंगी एक्स एक्सिस के लोग, उसको नेगेटिव पहले ही दे दूंगी साइन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि मुझे कर्व को नेगेटिव लेना था या पॉजिटिव। यस मैम, ठीक है, ठीक है ना। अभी ये क्या है, एलिप्स है, इस एलिप्स का एरिया निकालना है, आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो पता है सब बच्चों को कि ये पॉइंट कौन सा होता है, ए कॉमा जो भी ये कर्व बनेगी, अगर इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 0 से लेके ए तक, तो कौन कौन एग्री है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा? नहीं मैम, पूरे का आएगा ना, कोई अरे कैसे आएगा, तू ले ही सिर्फ 0 से ए रही है मैम, माइनस ए से ए कर ओके मैम, 0 से ए लेंगे, और अगर पूरे का लेना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक सिमेट्रिकल कर्व है, 4 से क्लियर? यस मैम, ठीक है जी। तो अगर यहाँ से इसको कर्व को निकालोगे तो y स्क्वायर अपॉन b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a, तो इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब रूट ले लो तो y की जो वैल्यू है वो b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगी। yes, तो भाई अगर किसी को फॉर्मूले नहीं आते होंगे वो क्या करेगा, अब ये बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा अजय, तो तेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इट मींस ये फुल एलिप्स का एरिया आ गया, फुल का है, शेडेड का नहीं, फुल एलिप्स का है, ठीक है? यस मैम, 4 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जिस जिसको आइडेंटिटी आती है हाफ, टेन वाली नहीं थी, बड़ी सी आइडेंटिटी थी मैम, एक्स वाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 से ए तक। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम, यस मैम। किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम, क्लियर है, ठीक है। तो लग रहा होगा मुश्किल तो नहीं है, क्या कहते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए, ये कब दिख रही है? Yes, ma'am. Ma'am, स्क्रीन पे चल रही है। स्क्रीन विजिबल? सर नहीं दिख रही, मतलब उसको की वो इक्वेशन दिख रही है। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? मैम है। हाँ जी। मैम इसमें ने ये तो बताया नहीं कौन से एक्सिस किस अबाउट निकालनी है। तो ए अंडर द कर्व निकालना है, पहले सबसे पहले मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे दे क्या रखा है। यस है ना? यस मैम। तो आपके पास कर्व दे रखे, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 32x³ = 16 - y² और आपके पास है 41x + 9 modulus x। Yes, सबसे पहले केस 1, जब आप लोगों की मेरा x पॉजिटिव है
तो आपके पास क्या बनेगा, 32x³ = 16 - y² इनटू, हाँ जी बच्चे, इनटू 50x इट मींस 32x³ यही बनेगा, x कट गया तो x² ही बना, थोड़ा और काटा काटी देख लो, 32x² + 50y² = 16 × 50 क्या कहते हो क्लियर? यस मैम, तो x² / 25 बन गया प्लस y² / 16 बन गया = 1, तो क्या कौन सी कर्व दिखी? एलिप्स तो देखो अगर जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगी तब तक तो मेरे आउट ऑफ रीच थी ये कर्व। यस मैम। अब दूसरी बार केस टू, केस टू में क्या लोगे, x जब लेस देन 0 है, यस मैम, यानी कि 32x³ = 16 - y² और उसका मॉडुलस हटके कितना आ गया, 32x, तो 32x पूरा ही कट गया, तो x² = 16 - y² तो x² + y² = 16 और ये कह रहा है सत्य। मैम ये दोबारा बताना 32x कैसे कट गया, क्या कैसे बना? क्योंकि ये जो मॉडुलस था इसने नेगेटिव x दिया, 41 में से 9x माइनस कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कितना आएगा, एक एलिप्स दे रहा है और एक सर्कल दे रहा है, दोनों का एरिया बना के ऐड कर दो। मैम एक बार इसका ग्राफ बना दो, देखो इसका एरिया तो दोनों का सिंपल है, ये सर्कल है ना, इसका रेडियस कितना आया, और अगर मुझे रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका जो सर्कल का एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 16 पाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो अपने आप में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना एरिया आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप में कुछ समझा रहा है आपको कि ये पूरा सर्कल आना चाहिए। देखो ग्राफ कैसा बनेगा कि जब मैं पॉजिटिव हूँ तब मैं एलिप्स बन रहा हूँ, आधा सर्कल आधा एलिप्स हो गई। हाँ जब मैं नेगेटिव हूँ तो मैं सर्कल बन रहा हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, तो इट मींस ये एरिया मुझे पूरा नहीं, मुझे आधा ही चाहिए। Yes, ma'am. तो ये 8 पाई हो गया बच्चे, किसी को डाउट? No, ma'am. और एलिप्स का एरिया आपको पता है कैसे निकालना है, सेमी वाला निकालना है, आधा निकालना है, तो 4 टाइम्स की जगह 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। Yes, ma'am. क्लियर बच्चों? Yeah, ma'am. किसी को भी डाउट? तो आपको ये पता चल गया 8 पाई आएगा, और जब एलिप्स का निकालोगे तो एलिप्स का कैसे निकालोगे बताओ? मैम इंटीग्रेशन, मैम पहले निकाल सकते हो। देखो एलिप्स का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 2 रेडियस है उसके, ये वाला आपके पास 5 है और ये वाला 4 है, तो इसको सीधा ही लगा सकते हो कि ये भाई पाई इंटू 5 × 4 / 2 के बराबर है, आधा एलिप्स प्लस 8 पाई। ठीक है, तो आपके पास 10 पाई प्लस 8 पाई, यानी कि आंसर कितना बना, 18 पाई। चेक योर आंसर। मैम एलिप्स के फार्मूला कैसे बनाया आपने, एक बार बता दो। देखो मैम एलिप्स का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ एलिप्स बाय शॉर्टकट, सीधा ही जो आप बात कर रहे हो तो आप वही करोगे कि जो ए है इंटू बी है इंटू पाई, अगर आधा एलिप्स है तो डिवाइड कर। मैम आपने ये कैसे बना दिया आधा सर्कल और ये कैसे बनाया? देखो बच्चे ध्यान से देखो, कर्व ट्रेसिंग का मैजिक ही यहाँ पे आएगा, अगर मैं कर्व ट्रेस नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलना था। आप लोगों को भी ये बात समझ आई, उन्होंने बोला कि जितना भी इस कर्व में एरिया आ रहा है वो मुझे सारा का सारा कवर करना है। जब आपने देखा कि मेरी एक्स पॉजिटिव हो रही है तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, एलिप्स बन रही है। Yes, ma'am. और जब मेरी x नेगेटिव हो रही है तो मेरा सर्कल बन रहा है। क्लियर? तो मैंने देखा कि x पॉजिटिव
जीरो से लेके यहाँ तक है, तो मैंने एलिप्स बनाया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, एक्स नेगेटिव साइड मेरे पास सर्कल बने। अब क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? ये स्क्वायर जैसा फॉर्मूला भी होता है एलिप्स के लिए मैम? दोनों को पाई से इनटू करा है क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं ना। पाई तो लिखा ही जाएगा, सर्कल जैसा ही फॉर्मूला है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। हाफ इसलिए लिया, बच्चे म्यूट करना, किसी के बैक साइड पे बहुत नॉइस है। हाफ इसलिए लिया क्योंकि मुझे सेमी एलिप्स का एरिया निकालना था। आप लोगों के पास ये वाला मेथड भी था निकालने वाला, बट इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टीडियस, बहुत लेंथी चला जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है ना वो पाई ए बी के बराबर ही आएगा, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक डेरिवेशन एरिया ऑफ एलिप्स की। हम उसमें जो नेगेटिव साइड आ रहा है उसको नहीं लेंगे? ले लिया, सारा ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बात करी ना कि नेगेटिव वाली कंसिडरेशन कब होती है, जब आपका कोई ब्रेक पॉइंट होता है बीच में। ये ब्रेक पॉइंट है तो नेगेटिव आया। चेक करो ये नेगेटिव कब आता है, जब ब्रेक पॉइंट होता है। यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस कर्व है जो उस कर्व के अंदर पूरा एरिया ले रहे। ठीक है, जो कर्व ऐसे एक्स एक्सिस को कहीं कट करके जाएगी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना कंसीडर। यस सर। जो कर्व ऑलरेडी सिमेट्रिकल है उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है आपको? सिमेट्री के बारे में तो आपने ऑलरेडी बात कर ली ना कि वो एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहे हो? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। विजिबल? ठीक है, 5 मिनट ले लो, टेक योर टाइम, थोड़ा इसको ट्राई करो क्योंकि तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, आपको दे रखा है कि ये कोई 3 कर्व्स है, इनका मैक्सिमम ऑफ देखना है 0 से 1 के बीच में। आपको एफ एक्स का एरिया निकालना है, मेंशनड है कहां से कहां, एक्स एक्सिस 0 से 1 और x1। जाने की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दी। जब उसने ये एक्स एक्सिस लिख दिया ना, इसका मतलब उसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस के नीचे आपको जाना ही नहीं है। क्लियर? यस मैम। एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगी। फिर मुझे आई पेन हो रहा है तो मैं लीव कर दूं? ओके सुनैना, ठीक है। मैं सानिया। ओके सानिया। सानिया अभी आई फ्लू खत्म नहीं हुआ दिल्ली में? मैम आई पेन हो रहा है, आई फ्लू नहीं हुआ, आई पेन हो रही है। ठीक है सानिया। मैम ये तो तीनों बराबर से ही बन रहे हैं। ओके थोड़ा देख लो कोई गलती ना हो। एक पैरा बोला तो सब अच्छे से बना लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। यस मैम। एक पैरा बोला तो बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? बनाए बस वही बनाए। तो y is equals to x square वाला आपको पता है कि ये अपवर्ड है और ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या कहते हो? यस मैम। तो दूसरे वाले के बारे में कोई ख्याल है? मैम वो इतना शोर इसको मैं x माइनस वन प्लस लिख सकती हूँ? यस मैम। जाने की ये जो x माइनस वन का स्क्वायर है इसका सेट यहाँ पे टच 1 होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा बच्चों। यस मैम। अब जो तीसरा ग्राफ है ध्यान से देखो, हमने बनाया था y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो 2x x माइनस 1। तो माय डियर बच्चा बाटी ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, राइट? अब आपको पता चला कि ये ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड के, क्योंकि नेगेटिव साइन शो हो रहा है, राइट? और ये डाउनवर्ड है, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? मैम 0 से 1 क्रॉस होते हैं। बच्चे म्यूट करना, किसी के बैक साइड पे बहुत नॉइस है। लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस।
तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ये तीनों ग्राफ क्लियर है। इसमें y is equals to 2x, 1 minus x है। मैम लास्ट वाला ग्राफ बताना एक बार। ओके, y is equals to 1 minus x का होल स्क्वायर। बच्चे ग्रीन और ब्लू वाला क्लियर है? यस मैम। ठीक है, पर्पल वाले में मैंने क्या करा, नेगेटिव कॉमन निकाला क्योंकि 1 minus x था ना, x minus 1 कर लिया। ठीक है, इसमें सेम ही चीज लगाई है जो आपने यहाँ पे लगाई थी। कैन यू सी मेरे पास दो ब्रेक पॉइंट आए थे, x ये तो 1 पुट करने पे 1-0 हो रहा था, x 2, तो मैंने भी वही चीज करी कि दो ब्रेक पॉइंट तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव, ये मुझे शो कर रहा है कि मेरा ग्राफ कम नीचे को होगा। क्लियर? अब आपको ग्राफ ने बोला कि इन तीनों का कुछ मैक्सिमम ऑफ एरिया सोचना, आपने कहां तक आएगा, तो कोई सोच पाएगा, कोई बता पाएगा मुझे? एक्स एक्सिस के साथ में लेना है तो जो तीनों का ग्राफ बना, जो तीनों में सेम आ रहा एरिया वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे फोकस करो, इसका ये पोर्शन लिया इसने, इसका ये लिया और इसका ये पोर्शन लिया, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि जीरो से वन के बीच में ही जाना था ना, बाकी दोनों चीजें तो बाहर रह गई। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? तो क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो और ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? यस मैम। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने ये पॉइंट निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा, लॉजिकली आपके पास आया होगा कि ये कौन कौन सी, ये पर्पल और ग्रीन ग्राफ का मैचिंग है, यानी कि जो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है वो 2x इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर है, एक गया तो 1 माइनस एक्स 2x के बराबर आया, तो 3x 1 के बराबर आया, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। इन द सेम वे दूसरी तरफ से निकालो, अब ये कौन कौन से पर्पल और ब्लू, यानी कि x square is equals to 2x 1 minus x, एक x गया तो आपके पास x is equals to 2 minus 2x, it means 3x is equals to 2, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आया 1/3 और ये वाला पॉइंट आया 2/3। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि आपको इस कर्व का ग्राफ लेना है एरिया, फिर इसका एरिया लेना है और फिर इसका एरिया लेना है, यहाँ तक जीरो से वन में इंटीग्रेट करना था ना मैम, ये सही से समझ नहीं आया। ओके, तो बच्चे देखो मैम, ये x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे कर दीजिए, वहां पे तो 1 दूसरे वाले में 1 माइनस x है ना, तो अपने ये x से x कर दो, ये 2x है ना, मैं तो बीच वाले में कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन यहां पे 1 square 1, यही पे बात कर रहे हो ना, यहाँ पे मैंने इन दोनों ग्राफ्स को देखो, आपको देखना है कि ये 1/3, यानी कि ये पॉइंट मुझे निकालना था, तो कौन कौन सी कर्व्स मीट हो रही है, पर्पल वाली और ग्रीन वाली, दोनों ही वाई की कर्व्स है। क्लियर है? तो दोनों कर्व्स को इक्वेट करा तो एक्स का पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, इन द सेम वे मैंने दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। यस। अब आपको ये एरिया निकालना है, ये सारा एरिया जो इन सबके नीचे आया, मैक्सिमम ऑफ एरिया। मैम अलग अलग पैराबोलास को इंटीग्रेट कर देते अलग अलग लिमिट में, ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो आ रहा है सबसे पहले 0 से 1/3 में, तो जाने की ग्रीन वाला 0 से 1/3 में ग्रीन वाली कर्व कौन सी है, 1 minus x का होल स्क्वायर, प्लस फिर पर्पल वाला एरिया आ रहा है 1/3 से 2/3 में, जाने की आपके पास आ रहा है 2x into 1 minus x, एग्री, फिर प्लस इंटीग्रेट करना है कौन सा, लाइट ब्लू वाला जो कि आपके पास आ रहा है 2/3 से 1 तक, उसकी कर्व है x स्क्वायर। क्या अब बात क्लियर हुई? यस मैम। हम जो एक बार ले लिया है रीजन उसको रिपीट नहीं करना, जैसे कि पर्पल 0 से 1 तक, आपको 0 से 1 में मैक्सिमम एरिया काउंट करना है। जीरो से वन में मैक्सिमम एरिया काउंट करना है, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा ग्रीन वाली ऊपर जा रही है तो उतने एरिया में ग्रीन का ले लिया, फिर पर्पल वाली ऊपर जा रही है फिर पर्पल का ले लिया, फिर स्काई ब्लू जा रही है फिर उसका ले लिया,
क्या क्लियर है? हमें ये लिमिट्स कैसे करी आपने, मतलब वो बता दो। देखो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो अगर मेरी यहाँ पे सपोज करो दो लाइंस मीट करती और एरिया अंडर द लाइन निकालना होता है यहाँ जीरो से लेके सपोज करो वन तक, तो आप कैसे निकालते? आप ये वाला पॉइंट निकालते ना, yes, तो बोलते कि यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, पहले ये लाइन वन का एरिया लेंगे जीरो से ए, फिर लाइन टू का एरिया लेंगे ए से वन, क्या एग्री हो? yes, ठीक है ना। तो अब आपके पास वही चीजें कर्व में दे दी, कर्व में आपके पास सबसे ज्यादा एरिया, सबसे पहले आपने ब्रेक पॉइंट लगाया कि ये दो ब्रेक पॉइंट लग रहे वन बाय थ्री और टू बाय थ्री से, राइट? आपने ये जो ब्रेक पॉइंट लगाया सबसे पहले आपने जीरो से वन बाय थ्री में देखा कौन सी कर्व सबसे ज्यादा ऊपर तक जा रही है, मैक्सिमम एरिया दे रही है, तो आपको पता चला ग्रीन वाली दे रही है। yes, ma'am. फिर आपने देखा 1 by 3 से 2 by 3 में ज्यादा एरिया कौन सी दे रही है, तो पर्पल वाली ने दिया था। okay. और उसके बाद 2 by 3 से 1 तक कौन सबसे ज्यादा एरिया दे रही है, ठीक है? yes, ma'am. ठीक है, तो अभी किसी को अजय जी क्या हो गया? बेटे चैट मत करा करो, और वैसे भी जब ये कर्व ट्रेसिंग करते हो या जब लोग आपने क्लास में 11 में पैराबोलास करे होंगे, कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ, तो आपको टीचर ने मस्ट भी गाइड करा होगा, नहीं भी करा तो अभी मैं भी बोल रही हूँ कि जो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है ना, उसको हमेशा कलरफुल पेंसिल या फिर पेंसिल लेके बैठ जाओ, पेंसिल और पेन से उसको हाईलाइट करना शुरू करो, देन ओनली चीजें आपको पता चलेंगी। अभी मेरे अगर आपको नहीं पता ना, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको अपना डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए और उसको अलग अलग डॉट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी में क्रॉस डाल दो, किसी में स्ट्रेट लाइन डाल दो, किसी में स्लांटिंग डाल दो, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ तक देखो, ले लो 5 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, फिर मुझे बताओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा वो चीज है जो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया के बारे में बताती है। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी इसके आगे वाला पार्ट आएगा। टेक योर 5 मिनट, सोच लो पहले इसके बारे में। मैं आपको ये कैसे पता चला कि ये जो y is equals to 2x1 minus x है नीचे की तरफ घूमेगा, क्योंकि मैम अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देंगे तब भी 0 और 1 ही आएंगे इसके पॉइंट्स। 0 और 1 आएंगे, लेकिन जब भी अपन कर्व ट्रेस करते हैं तो हमेशा x का साइन पॉजिटिव होता है। ओके मैम, ठीक है, ठीक है ना। तो आपने अगर इसमें मिनिमम वैल्यू डालनी होती तो क्या अगर मिनिमम निकालनी होती तो आपको दिख रहा था कि मिनिमम तो बस वो दोनों कर्व्स जो ग्रीन और ब्लू मिल रही है वहां पे आएगा मिनिमम पॉइंट। ओके, फिर वो मिनिमम होता। यस मैम, ठीक है ना। यस मैम, किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्लियर है, ले लो, सबने नोट डाउन कर लिया ना अच्छे से, पेंसिल से कर लो, अगर किसी के आसपास नहीं है तो जाके थोड़ा सा ले आओ कि पेंसिल बॉक्स में होगी, पेंसिल ले लो, ब्लैक पेन, रेड पेन, ये तो होते हैं आप लोगों के पास। यस मैम, एक ब्लू पेन है बस अभी। यस मैम, एक ही पेन है बस। ठीक है, तो नोट डाउन, मैंने तो नाम लिख दिए हर कर्व पे। हाँ नहीं, तो कर्व्स को अलग अलग लाइन से, जैसे एक कर्व को डॉट से रिप्रेजेंट कर लो, एक को ऐसे लाइन से कर लो, एक को पूरी स्ट्रेट लाइन से कर लो। और थोड़ी मैम ड्राइंग साफ है तो अच्छा लगता है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम, क्लियर है। ये आपका एरिया अबाउट एक्स एक्सिस था, तो क्लियर। तो अभी कोई बात कर रहा था कि अगर वाई एक्सिस के साथ हो, कौन बात कर रहा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, मैंने उसको बोला था कि अब वहां पे भी पहुंचेंगे। तो बच्चों अगर y एक्सिस के अराउंड एरिया की बात हो रही है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको लिमिट्स किसकी दे रखी होंगी, y की दे रखी होंगी, फंक्शन भी y में दे रखा होगा। yes, तो अगर आपको y एक्सिस के अराउंड है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जो दे रखी होंगी वैसी होंगी, और इंटीग्रेशन का साइन किसके विद रिस्पेक्ट करना है, राइट? ये आपको पता है कि अगर पॉजिटिव साइड पे है तो ए पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव साइड पे है
कर्व उधर ही रहेगी, कर्व ये नहीं कि नीचे चली जाएगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव का कंसर्न उधर ही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। क्लियर है मैम? ये सी और डी क्या है? क्या सी और डी लिमिट्स हैं, कहां से कहां तक जाना है। क्लियर? और आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, आपको पता चल गया कि ये एरिया वन है ये पॉजिटिव होगा और ये एरिया टू है ये नेगेटिव होगा। क्लियर? यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखो अपने आप में क्लियर है, लाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या ये एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन पता चल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस y is equals to e। अब सबसे पहले देखो कि आप लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगी y is equals to e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है। जब x जीरो होगी, x जीरो होगा तो y वन आएगा बच्चे, yes, तो जाएगी जीरो कोमा वन, तो आपका जो ग्राफ है बस यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा। yes, ma'am. और एक लाइन है y is equals to e, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है y is equals to e। क्लियर? यस मैम। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या नेगेटिव साइड से क्यों बनाया? नहीं मैंने तो पूरा ग्राफ बना दिया, अभी मैंने शेड नहीं ना करा, ये जीरो है और जब e होएगा तो x वन होएगा, क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ठीक है, तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है, वाई ई और इस कर्व और एक्स जीरो के बीच पे निकालना है, एक्स जीरो का मतलब वाई एक्सिस, तो जाने कि आपको ये वाला एरिया निकालना है अल्टीमेटली बच्चों। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। तो वो कैसे निकालोगे, कैसे आएगा वो एरिया? मैम फंक्शन को वाई की टर्म्स में करके उसको 1 से e तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपका फंक्शन y is equals to ex था, यानी कि x मेरे पास ln y हो गया। yes. तो मुझे एरिया कैसे मिलेगा, क्या कोई हिंट किसी के पास है, क्या कोई सोच पा रहा है? मैम log of y को 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। yes, मतलब एरिया मुझे कहां से कहां निकालना होगा? 1 से e तक। ग्रेट, आपको ln y का एरिया यहां से 1 से लेके e तक निकालना पड़ेगा बच्चे। यस मैम। तो log y की इंटीग्रेशन आपको आती है 1 into करके करोगे by parts ln y y ln y minus y। शाबाश, क्या आएगी जी? y ln y minus y, याद कर लो क्या आपने बताया 1 से e, हाँ मैंने बोला था याद कर लो, तो e log ही 1 होता है minus log 1 0, फिर e पुट करा माइनस e, ऐसा ही चलेगा? बताओ सही कर रहे? आंसर बनाया मेरा, पता नहीं कैसे मैम लिमिट चेंज नहीं होगी। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर रहा आपने। कौन सा आंसर सही आ रहा है बच्चे? मल्टीपल चॉइस है मैम, बी और डी आ रहे हैं। देखो बी तो आ ही रहा है ना? यस मैम। बी कैसे आ रहा है मैम? ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ओके तो बी भी आ जाएगा, तो सी भी तो आ रहा है, सी में क्या दिक्कत है? सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया ना? यस मैम। क्या मेरी बात समझ आई? इन्होंने क्या करा, ये y is equals to ex है, इस ये वाले टोटल एरिया कितना बना e into 1, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ex। क्या किसी को डाउट है इस पार्ट में? नो मैम क्लियर है। क्या क्लियर है? कोई भी बच्चा जिसको वगैरह कंफ्यूजन है दे के ना आस्क।
मैम अगर लिमिट को पुट करेंगे तो ये e log e माइनस e ऐसे देखो e e log e माइनस e फिर वन e पुट करो e तो कर दिया फिर वन पुट करोगे वन पे ये जीरो हो जाएगा और माइनस वन बचेगा माइनस माइनस प्लस वन ठीक है e log e log e वन होता है तो ये और ये भी कट गया तो वन आंसर आया था यस मैम ठीक है अब एक तो पार्ट ये तो अल्टीमेटली सीधा ही आंसर दे रहा है डी वाला यस मैम ठीक है फिर जब आपने लिया कि जो एरिया है वो मेरा वन से लेके ई तक है और एल एन वाई डी वाई है तो आपने करा कि क्यों ना ए प्लस बी माइनस एक्स यानी कि एल एन वन से ई ही रहेगा वन प्लस ई माइनस वाई डी वाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन बी सही आ गया yes, और ऑप्शन सी के लिए आपने क्या करा आपने सोचा कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया e इंटू वन है क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे पास इतना e है और इतना वन है तो इसका पूरा एरिया e इंटू वन है उसमें से मैंने एरिया अंडर द कर्व जीरो से वन एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस कर दिया तो ये बात भी क्लियर है कि ऑप्शन सी भी सही आएगा यस मैम क्लियर है किसी को भी डाउट नो मैम ठीक अब देखो अगला y square, y square is equals to 4 into x plus 1 है, y axis है from 0 to 4. तो सबसे पहले curve बनाने की कोशिश करो ये मेरे को दिख रहा है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन माइनस वन से होगा माइनस वन और जीरो है यानी कि ये कर्व कुछ ऐसी होगी और x एक्सिस के अलाउंस में ट्रिगर होगी क्या बात क्लियर है किसी को इसमें कर्व में ट्रेसिंग में डाउट नो मैम ठीक है फिर आपके पास यहाँ पे मेंशन है जीरो से फोर जब वाई जीरो होगा जीरो ठीक है जी से फोर तक तो यहाँ पे पॉइंट फोर होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चे यहाँ पे एक्स जीरो है ना मैम टू होगा ये टू हो जाएगा ठीक है यस मैम यस तो ये टू बन गया अब आपको कौन सा एरिया निकालना है आपको y एक्सिस के एक तो ये वाला एरिया निकालना है और आपको y एक्सिस के अराउंड ये वाला तो आपको पता है कि एक एरिया पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा यस तो माय डियर जब 0 से 2 करेंगे तो एरिया नेगेटिव आएगा यानी कि y स्क्वायर / 4 - 1 आएगा और जब 2 से 4 करेंगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा और कर्व सेम रहेगी y स्क्वायर / 4 - 1 dx क्या बात पीडी वाई क्या सबको बात क्लियर है यस मैम इसको फटाफट से सॉल्व करिए और मेरे को आंसर बताइए तो एरिया अंडर कर्व क्या कहते हो मुश्किल नहीं है ना नो मैम क्वेश्चन करेंगे फिर और आसान हो जाएगा आपका स्कूल का पार्ट यहीं तक था मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो अलग मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाएंगे अब एक्सरसाइज 1 वाले ना हां मैं अभी दिखा रही हूं एक्सरसाइज 1 हो जाती है तो 2 और 3 को ज्यादा टाइम नहीं लगता था मॉड्यूल शो करूं अब कर लिए नोटेड यस मैम जैसे कि आपने इसमें सोचा अगर हम होते तो ये लाइन से ज्यादा नहीं बढ़ाते क्या नहीं तो वो तो वो तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना फोर तक तो जाना ही पड़ेगा जीरो से फोर तक मैम नहीं वो जैसे कि जहाँ पे ट्रायंगल टाइप का बना है वो तो फोर तक जाएंगे ना बच्चे जो लिमिट हमें दी है वहां तक तो हमें जाना ही पड़ेगा ना टेनी कोस्ट उसके पास तो हमारे पास अल्टरनेट नहीं है उसके अलावा कोई इसका आंसर फोर रह गया इसका आंसर कितना आ रहा है फोर ही आएगा ठीक है मैम मैम पॉजिटिव फोर आ रहा है पॉजिटिव फोर आ रहा जी मैम मैंने एक बुक में देखा था तो उसमें वो नेगेटिव यहाँ पे एरिया आता था मॉड्यूलस लगा देते थे वो पता क्या है मैं बता रही हूँ एरिया को नेगेटिव मॉड्यूलस करते हैं लेकिन इस केस में अपन शो करते हैं कि भाई नेगेटिव है तो ओवरऑल एरिया निकालना है ना आपको वैसे भी इंटीग्रेशन करके आपको इतना फर्क पड़ेगा नहीं
अभी ये इंटीग्रेशन वाले मॉड्यूल में ही था ना आपका? यस मैम, उसी में डेफिनेट के साथ है। डेफिनेट के साथ है क्योंकि ये डेफिनेट का एक तरीके से पार्ट है। yes, और शो तो ये एफ वाला सेक्शन है राइट? यस मैम, ठीक है एक बार मैं शो कर देती हूँ कि उसमें ना फिर आप लोगों को खुद से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई मेरे को कल वाली क्लास से पहले इतना पार्ट करके बैठना है। देखिए विजिबल एरिया तो इतना ही आएगा, वो तो शो कर रहा है कि भाई मेरे पास नीचे का एरिया आ रहा है कि ऊपर का एरिया आ रहा है। ओवरऑल एरिया का आंसर तो पॉजिटिव में ही शो करते हैं ना अपन। मैम उसके आगे माइनस लगा देते। अब देखो एफ एफ का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ठीक है। थोड़ा सा दूरी कर दो ठीक है। यस मैम। तो 1, 2, 3, 4 ये हो जाएंगे। उसके बाद 7 राइट 7, 8 तो हो जाएंगे। यस मैम। बहुत सिंपल है ना? यस मैम। यस मैम। करेंगे। यस मैम हो जाएगा। ऐसे करो। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फटाफट ले लो 10 मिनट। कॉल क्रिएट करूंगी किसी को और जूम करना तो मैं कर देती हूँ। अभी चारों क्वेश्चंस के लिए पॉल क्रिएट करूंगी ठीक है। यस मैम ठीक है। और अपना डेफिनेट का मॉड्यूल साथ साथ लगाते रहो। आपको पता है कि ये चैप्टर अलग नहीं है तो फ्राइडे वाली क्लास तक अपना पूरा मॉड्यूल कर लो डेफिनेट का ठीक है ना। मैं 3 क्वेश्चंस के लिए पॉल क्रिएट कर रही हूँ फिलहाल के लिए। लेट मी सी कि पहले 3 का आंसर कर दो। पहले के 3 ना? हाँ पहले के 3। और इस बार के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। इस बार का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ क्या? इस बार का टेस्ट मैम कितनी पर कट ऑफ थी उसकी इस बार की? तो नहीं सही गया मैम। कट ऑफ कितनी थी इस बार की? डिपेंड करता है मैम। मेरे तो मतलब 42 ही आया मैथ में। हाँ इस बार ना बड़े बच्चों का टेस्ट क्योंकि शायद प्लस वन वाले सिलेबस से भी दिक्कत हुई है बच्चों को। यस मैम। दिक्कत तो फिजिक्स में हुई है। वो तो फिजिक्स में हुई है उसमें तो बस ऊपर ही चला जा रहा था।
तीसरे का कूल जनरेट नहीं हुआ? नहीं कर दिया मैंने, तीनों का कर दिया। तीनों का हरिया बच्चे फटाफट रिस्पॉन्ड कर दो। अब आ गया Himanshu is there? कर दिए तीनों। ओके पूजा ने टेस्ट दिया था। आप लोगों का बैच कौन सा है? G5 बैच 1-2-1 होगा ना? सीमांशी, अंशिका, फिर साक्षी, प्रणव। ओके लेट मी चेक। प्रणव का एक बच्चा है जिसका स्कोर अच्छा नहीं गया, वो है गरिमा। गरिमा इज देयर? गरिमा तो मैं लगता नहीं कभी क्लास में आई है क्या? नहीं ओवरऑल तो बस दो ही बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, बाकी टेस्ट दिया किस किस ने? नहीं दिया था, मैं नहीं दे पाई, मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो लड़का मैम दिया तो था, दीजिए मैं देखती हूं सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए। वन कट ऑफ कितने थी? ऐसा ना मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि ना यहाँ पे तो कट ऑफ नहीं दिख रही है। वैसे तो वही 60-70% ही होती है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कम तो है लेकिन वो सब चीजें ना टॉस लग जाता है। एक बच्चे उसमें मैथ्स 0 आया था, कौन है वो? आयुष, आयुष है क्लास में अभी? तो डन बच्चे, तीनों क्वेश्चन डन हो गए सबके? यस मैम। ओके तो मेरे पास जो बच्चों का वोट आया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा वोट्स, अभी कुछ पेंडिंग है या डन? मैम आपने पोल किया है क्या? पोल? हाँ पोल दिया था मैम, आ नहीं रहा मेरे पास, एक बार रिफ्रेश करो। पोल तो सबको विजिबल है? यस मैम। तो फर्स्ट का आंसर मैक्सिमम ऑप्शन बी आया, क्या सबका बी आया? यस मैम। तो जिनका गलत आया क्या आप चेक कर लोगे बच्चे? क्योंकि शायद आपके लिखने में गलती हुई है, आपके पास log 4 माइनस log ई बन रहा होगा, आपने उसको 4 ई लिख दिया शायद। मैम ठीक ठीक है, कुछ माइनस उसका साइन में ही गड़बड़ है। और सेकंड वाले का मैक्सिमम आंसर मेरे पास ऑप्शन सी आया है। यस मैम। एंड द थर्ड वन 10x को सिंपली इंटीग्रेट करना था, मैम ये टाई हो रहा है। मैम डी आया था तो आंसर डी होना चाहिए, डी पे क्लिक करके बैठी है। बट 10 में वो ब्रेक करा होगा ना 0 तक? यस मैम 0 पे ब्रेक हुआ है, 0 पे ब्रेक करा होगा अपने अपनी लिमिट को कि माइनस पाई बाय 4 से 0 गया होगा और फिर 0 से पाई बाय 3 गया होगा। क्लियर है बच्चे? यस मैम। मैम तीसरा समझ नहीं आ रहा, तीसरा समझ नहीं आया।
राजी देखिए तीसरे में क्या करना था, क्या आपने कर्व ट्रेस करी? मैम समझ ही नहीं आया कैसे करना है। टेन का ग्राफ आता है आपको? यस मैम। कैसे बनता है टेन का ग्राफ? टेन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, जीरो पे जीरो होता है, कुछ ऐसी टेन की कर्व बनती है। यस मैम। तो जब आपको इतनी चीज पता है तो आपने बोला कि यहाँ पे माइनस पाई बाय फोर है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर होगी और यहाँ तक आपने पाई बाय थ्री तक जाना है, ठीक है बच्चे? तो पाई बाय फोर पे आपका माइनस वन दे रहा है वो। एक तो आपको एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया लेना है और जीरो से पाई बाय थ्री लेना है, क्या बात क्लियर है? Yes. तो माइनस पाई बाय फोर से जीरो तक नेगेटिव आएगा आंसर? Yes, ma'am. हमने ये करा होगा ना, माइनस ऑफ टेन एक्स जीरो से पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर से जीरो प्लस जीरो से पाई बाय थ्री और टेन एक्स, क्लियर बच्चों? यस मैम। तो ये हमारा आज का पार्ट था कि हमने आज कर्व ट्रेसिंग सीख ली, हमने आज एक्स एक्सिस के अराउंड एरिया देख लिया और वाई एक्सिस के। जो नेक्स्ट वाली क्लास कल होएगी उसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स यानी कि एरिया अंडर द टू कर्व्स पढ़ेंगे, क्लियर है? तब तक पे अब आपको पता है कि इसके बेस पे होमवर्क अगर कम है, मॉड्यूल में अगर क्वेश्चंस कम है तो आपको क्या करना है, आप अपना डेफिनेट साथ साथ लगाते जो एक्स टू और थ्री, सो दैट कि आप लोग जो फ्राइडे को मॉड्यूल के लिए बैठे तो आपका पूरा डिस्कशन हो जाए। क्योंकि इस वीक में इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक में आपके पेपर के जितना अपन मोटा मोटा सा डिफरेंशियल पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो एओडी आपको कहाँ तक आ रहा है, आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट अभी खत्म हुआ, एओडी तक आपका इस बार का टेस्ट में आएगा, तो सारा का सारा टेस्ट स्कूल लेवल का तो ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा ना, तो उसका तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। यस मैम। मैम एक चीज मतलब एक चीज बोलूंगी कि स्कूल लेवल तक तो अगर मैम स्कूल लेवल पे यहाँ तक कर लिया हमने एओडी मतलब एरिया अंडर कर्व तक, अब ये तो मतलब इतना हो गया ना कि मतलब 90% हो गया है, तो और हमें उतना ही तो चाहिए ताकि इंटरनल मिल जाए, ये तो नंबर ऐड भी नहीं होंगे ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको याद करके जाएंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग कर लोगे, इतना मेरे को गारंटी है। मैम पिछले बार का मिड टर्म मैंने देखा तो बहुत इजी है उसमें क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी पेपर होता है। यशवीर मैं सही में बताऊ ना, तुम्हें वहां पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा, तुम्हें पता क्या करेंगे, तुम्हें या तो प्रॉपर्टी के बेस पे साइन एक्स कॉस एक्स वाला क्वेश्चन देंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पार्शियल का दे देंगे, बाय पार्ट्स का दे देंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हें वो तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो पता है ये कैसे करने हैं। मैम मिसलेनियस उठा के दे देते हो, मिसलेनियस उठा लो, अगर आप अगर किसी को चाहिए ना मैं आपको बताती हूँ, आरडी के ना पीछे अगर किसी के पास कोई एक एडिशन है आरडी की बुक के पीछे ना, इंटीग्रेशन सिर्फ इंटीग्रेशन के लास्ट में ना कुछ क्वेश्चन है 100-150 के करीब, सिर्फ इंटीग्रेशन के लास्ट में, हाँ एक इंटीग्रेशन के लास्ट में ना 100-150 क्वेश्चन है, अगर वो कर लिया ना तो आप लगना इंटीग्रेशन उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, वो भेज देना अगर आपके पास है, मेरे पास है मैं शेयर कर दूंगी। मैम ये जो आरडी की ऑब्जेक्टिव वैल्यू बुक का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको स्कूल में आना है उसका तो हमने प्रॉपर मेथड पढ़ा है, शॉर्टकट्स तो हमने मेंस वाले टॉपिक्स के ही पढ़े हैं। ऐसे मतलब रिवीजन कराई थी और वैसे ही क्वेश्चन आए, मैं मतलब 1.5 घंटे में ऐसे हो गया पेपर हो गया, 2-2.5 घंटे तक बैठा रहा, फिर सर से मुंह चलाने लगा, सर जी ने भगाई दिया आधे घंटे पहले, तो बस यही है। ठीक है अभी मैं देखती हूँ आपका कैसे रिवीजन सेशन बनता है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, या फिर अपन देख लेंगे अगर बीच में एक क्लास हमारे पास बचती होगी ना तो हम उस दिन, जैसे सैटरडे वाली क्लास अगर रिवीजन क्लास होगी तो उस दिन अपन लोग डिफरेंशियल करके निपटा देंगे। कैसा चैप्टर है डिफरेंशियल, मतलब बहुत ही है, बहुत सिंपल है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन आ गया इंटीग्रेशन आ गया दोनों का मिक्सचर है बस।
मोटा मोटा सा मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा दूंगी, बाकी अपन थोड़ा रेस्ट में आपकी ये पेपर्स के बाद पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके मैम, करके आना अच्छे से, बाय मैम, बाय बच्चे, गुड नाइट मैम, मैम वो जो मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो जो ओल्ड मॉड्यूल्स